अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं CSG की बकरा मंडी, और अभी यहाँ पे मंडी प्रॉपर तरीके से लगी नहीं है, बट अभी हम जा रहे हैं बकरों को देखने। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आए हुए हैं आज मंडी के अंदर यहाँ पे CSG के पास काला पुल पे, जो लगी हर साल लगती है, पिछले साल से लग रही है और इस दफ़ा इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त डेकोर किया हुआ है ड्रेसिंग लगाकर। अच्छा तो हम यहाँ पर आए हैं, बकरे ये देख लें आप, कमोरी नस्ल के बकरे हैं ये। ये सारी कमोरी नस्ल के नवाबशाह किस्म के बकरे हैं, और ये यहाँ पे इस तरह के बकरे जैसे हैं दो दांत के, इसका रेट चला रहे हैं ये 1300 रुपये किलो, 1300 रुपये के जी के हिसाब से, यानी कि ये बकरा कम से कम होगा 35 किलो का। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अभी आपके सामने यहाँ पे 1300 × 35 45,000 का बकरा पड़ेगा कम से कम। और अगर ये 46 किलो का होता है तो ये पड़ेगा, हाँ 46 किलो का बकरा है ये, सॉरी, तो ये 60,000 का तकरीबन पड़ेगा बकरा। ये ब्राउन वाला 60,000 का। और अगर आप वैसे किसी से बार्गेन करके लेते हो तो आपको मार्केट में 35,000 – 40,000 का मिलता है, बट इसमें आपको श्योर होगा कि मेरे जानवर का ये वजन है। अच्छा, और ये हैं कहाँ के? सिंध के नवाबशाह के बकरे हैं ये, कमोरी नस्ल के। अच्छा, भाई से बोलो ना थोड़ा बताएं बकरों के बड़े भाई। यार इसमें कोई गुंजाइश है या फिक्स है ये? कोई थोड़ा 19-20 भी नहीं, 1200 तक 1100 तक कोई नहीं होगा। ये कहाँ के बकरे हैं? मीरपुर की हैं। कौन सी नस्ल है ये? कामोरी है, काछन है। सही है, सारे खसी हैं? हाँ, दोनों दांत खसी। चार दांत कोई भी नहीं है? चार दांत भी होगा, एक दो, एक दो होंगे। और ये सारे तुम्हारे 35 किलो इस हिसाब से? 45, 50, 52। अच्छा, सारे इस तरह से? 43, 42, 42। सही, अभी बकरे सिर्फ तुम ही लाए हो, बाकी पीर तक आएंगे इंशाल्लाह। पीर अभी दोस्त मेरा एक ला रहा है रहीमियार खान से, वो इस तरह के जानवर उसने चढ़ाए ट्रक पे, मैंने चढ़ाया 25 जानवर, 30,000 का पड़ा है मुझे, सस्ते पड़ा वो रहीमियार खान से। कुर्बानी के लिए लिया, आप सेल करो बेचने के लिए? मैंने भी लिए ना, आगे मैंने उधर लिया, किधर लिया? हाँ, 1.5 लाख का, वही जो सबके पड़ा, वो भी हमें भी उतने का पड़ा। भाई ने लिए, वो आएगा पीर से आएगा, नवाब शाह से लिए हमने। गाय का तुमने वहाँ लिए, वो भी जा, बकरे भी पीर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी लाने का फायदा नहीं ना, अभी मार्केट लोग सिर्फ तफरी वाले आ रहे हैं, खरीदने वाले नहीं आ रहे। टाइम पास के लिए आ रहे हैं। अब कोई ले गया तो ले गया, एक बात टाइम पास है। हाँ, चारा भी महंगा पड़ता है ना, चारा भी महंगा है। सो देखा, आ जाओ अब गाय के साइड। ये मारता है, शपाटर है, शपाटर है, गाय देखिए, ये शपाटर नस्ल है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द गाय मंडी, जबकि यहाँ पे काफी सिलेक्टेड गाय आए हुई हैं, लेकिन लेट्स चेक इनके क्या रेट्स। यार बहुत, तो गाइस ये यहाँ पे बड़े खूबसूरत से गाय आई हुई है, वाइट ब्लैक। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे काऊ मंडी की तरफ, CSG के पास जो लगी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त नस्ली जानवर आए हैं। वो कितना प्यारा है, ब्लैक वाला। हाँ, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। खड़ा करें, ये कितने का है? रेट भी तो पूछ के बताए। आहिल, आहिल, आहिल आओ, आहिल, और यू कैन गेट दिस काउज इफ यू लाइक। ये इनका एड्रेस है और ये इनका फोन नंबर है, बताती हूँ।
जानवर को मारते नहीं कुर्बानी। Just making him stand. बच्चे से बोले कि ये आपके हैं? नहीं नहीं, अच्छा वो उनके हैं, वो उनसे रेट से पूछे बुला के थोड़ा रेट दूसरा माइक यार लेना है एक घर के लिए, मुनासिब बताओ, देने वाली बताओ, वजन भी इतना नहीं है, कितने मन का होगा ये? 4-20 हो जाएगा। नहीं है, 2 के नीचे बात करो। 4 लाख का बहुत ज्यादा। और ये वाला? ये फाइनल प्राइस है। ये कौन सी नस्ल है? सिब्बी वाला जानवर है ना ये? ये कहाँ का जानवर है? सिब्बी का ना वो। ये सारा? नहीं नहीं, ये तो देसी है, रेमियर का। इसके कितने हैं? ये जो ये खड़ा हुआ वाइट पीछे लंबा सा, अस्सलाम वालेकुम। सईद का बाड़ा यहाँ लगा है? सईद ने जो वो जो बकरा भी लगाया था, पिछले साल भी लगाया था, सही रही मेरा खान कह रहे मेरा माल उतर गया, आप जाके देखो मेरा माल। ये बच्चे जो हैं वो काउस गोट्स को देख के बिल्कुल आउट ऑफ का कौन सा लगेगा? 160 में, 260 में, वो तो बहुत छोटा है यार, कोई खूबसूरत दे देना कोई एक। इधर है, इधर है, उस साइड पे, साइड में अंदर जाना पड़ेगा, अंदर दिखा दे। 4 के बगैर आओ, देख दो दांत का दिखा। ये भी अच्छा है, ये क्या दाम है बेटा? जरा इसको निकालना इरफान, मैंने कहा रेमिया खान से एक सही दाता लगाता, यहाँ आता है कहाँ आता है? उस साइड पे लेकर अब बात। ये कितने का है? आओ ये दाएं आ रहे, देखो फाल ला रहे हैं। आहिल मैंने आप 260 बोल रहे शायद। जी जी वो रहा, एक मिनट। यार यही ले लेते हैं, प्यारा लग रहा है। कितने का है? 2 लाख बोलते हैं, ये तो 3.5 बोल रहा है, 2 लाख में सही है क्या? नहीं 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 नहीं, भाग जाएगा आए नहीं देने वाली बात करो, बीच में कितना टाइम है? थोड़ा सा दूर। तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम कैसे भागता हुआ आया था वो? इसने मेकअप किया हुआ है ना, इसलिए आ रही है गाय इसके पास। सो गाइस दिस इज अल नाफे कैटल एंड डेयरी फार्म 2024। और खड़ा करना, सबसे खड़े करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे टच करो, करीब जाके उठाओ इसको। ये 4 लाख, लाइक द कोटिंग प्राइस इज 4 लाख। और आप कहाँ तक बार्गेन कर सकते हैं? सो अब हम आए हैं 780 कैटल फार्म। ये इस कैटल फार्म का देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, क्या दाम है। हम तो मार्केटिंग करने आए, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हम ओनर की तरफ जाते हैं, उनको क्या कहना है इस बारे में।
तो यहाँ पे इनके पास जो जितने भी बच्चियाँ हैं ये सारी बच्चियाँ हैं बेवला फीमेल। अच्छा, ये खूबसूरत खूबसूरत जानवर आए हैं सिंह से, और ये 6 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं और बार्गेन करके ये लोग 4 लाख 5 लाख इस तरह से करेंगे। ये 6 लाख का ब्राउन वाला, दो सारे दो दांत है। सबसे बड़ा कौन सी इनके बड़ी? अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है इनमें तुम्हारे पास? ये भाई हमें दिखा रहे हैं इनके कैटल फार्म की सबसे। ये मैं अंदर नहीं जा सकती। मोबाइल बेटा काओ के साथ मजाक नहीं। इनके क्या दाम है? 11.5 लाख रुपए जोड़ी के, अलग अलग जोड़ी जोड़ी के, यानी कि एक पड़ेगी तकरीबन 5.5 लाख रुपए की। और सबसे छोटा तुम्हारे पास कौन सा है? आ जाओ आहिल, यू आर लेफ्ट अलोन। क्या है? 3,60,000। मतलब कोई आए तो 3 लाख तक हो जाएगा। ये कितने का? 3,60,000 है, 3 लाख तक हो जाएगा। कोई आता है 200 तक हो जाएगा, बस बनाने वाली बात करे तो बंदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से ऊपर 2.5 से ऊपर माइंड रख कर रहा है। जी जी जी, ठीक। तो यानी कि आपके पास 2 लाख से शुरू हो रहा है और 7 लाख तक जाना है, मतलब शुरुआत कह रहे हैं 2.5 से शुरू हो रहा है और 6 लाख तक के इनके पास है। और सबसे आखिर में बना हुआ है ये अभी, और सारी बच्चियां हैं। चले, ठीक है। उस्मान, सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम वॉक कर रहे हैं यहाँ पे भी काफ़ी जानवर आएगा, लेकिन वेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई है। और ये अब फूड स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप आएँ अपनी फैमिलीज के साथ, बेशक जानवर ना लें, बट एक विजिट मंडी का हर साल इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। और हमें ये चीज़ बच्चों में भी इंड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सुन्नत इब्राहिमी है उसको हमें बच्चों तक भी, जो सुन्नत है अगर वो हमें प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तो वो कल को ख़ुद भी नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है, जो मुझे पर्सनली फील होती है, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स ओवर हियर, लेकिन जो ये कुर्बानी का सिस्टम होता है कि जी बुक कराती है एंड आपको घर तक गोश्त मिल गया, आई बिलीव के अगर आप जानवर खुद जाके हंट करें, लें और उसके बाद उसको प्यार करें, उसको पालें, उसको रखें, तो इस तरीके से जो सुन्नत है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे आएं और आके अपने चीज़ें, अपने कैटल खरीदें। और ये यहाँ पे नंबर भी मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ रंगून कैटल फार्म, शौकीनों के साथ, राइट। और ये जानवर भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं इनके पास, ये आप देख सकते हैं। और ये ऐसा लग रहा है सारे बितके हुए जानवर हैं। सबसे बड़े जानवर अभी तक इनके पास है। सो गाइस, इट्स टाइम टू सी ऑफ, और मिलेंगे हम इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।